हेलो एवरीवन, वेलकम टू जमाल्स किचन। आज हम अपने किचन में बनाएंगे चिकन शोरमा सैंडविच। आप बाजार का शोरमा खाना भूल जाएंगे, एक बार इसको घर में बनाइए। आइए इसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले लिया है मैंने 500 ग्राम बोनलेस चिकन। देखिए इस तरीके के इसके पीस कर लेने हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करके इसको एक कढ़ाई में एक कप पानी डाल के इसको चढ़ा देंगे गैस पे। खुले बर्तन में बनाना है हमने, कुकर में सीटी वगैरह नहीं लगानी है। इसमें डालेंगे एक चम्मच नमक, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से। आधा चम्मच डालेंगे लहसुन का पेस्ट और थोड़ी सी अदरक, अगर अदरक नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लहसुन का पेस्ट से ही काम चल जाएगा। एक चम्मच डालेंगे काली मिर्चें पिसी हुई और इसको बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट में इसका पानी इस तरीके से सूख जाएगा। देखिए सारा पानी अच्छे से सूख गया है। अब इसके पीस को हमने क्या करना है, मैश कर लेना है। इस तरीके से सारे चिकन को हमने मैश कर लेना है। अब इसमें डालेंगे ये 3 से 4 प्याज को हमने पतला पतला चॉप करना है, जैसे कि हम आमलेट में डालते हैं। इसी तरीके से मैंने 3 शिमला मिर्च ली थी, इसके भी बीज निकाल के इसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था। थोड़ा सा डालेंगे हरा धनिया, ये हमने सैंडविच में डालने के लिए सब्जी काटी है। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच काली मिर्चें, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब डालेंगे इसमें बहुत सारी मेयोनीज, आपके पास मेयोनीज हो आप एक कटोरी मेयोनीज डाल दीजिए इसमें, जितना ये हमारे चिकन को अंदर एब्जॉर्ब कर सके इतनी मेयोनीज डाल दीजिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च और प्याज ही बहुत सफिशेंट है, ये अच्छी बनेगी इससे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, देखिए इस तरीके, थोड़ी सी मेयोनीज कम है और डालेंगे इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, थोड़ी सी मेयोनीज और डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे चाट मसाला, 2 चम्मच भर के डालेंगे इसमें चाट मसाला, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे सैंडविच में। आप इसको मटेरियल को बना के एक हफ्ते कम से कम फ्रिज में रख सकते हैं, जब भी आपको बनाने का दिल हो आप इसको निकालिए और इसको अच्छे से बनाइए। ये चाट मसाला डाल के भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे इसमें केचप डाल दीजिए, अगर आपके पास केचप है तो केचप डाल दीजिए, या डाल दीजिए हॉट चिली सॉस, वो भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मेरे पास था ये हॉट चिली सॉस, इसको डाल देंगे 2 चम्मच भर के, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आपका चिकन शोरमा घर में ही तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, एक ब्रेड लिया है, ब्रेड के साइड वाले जो ब्राउन वो निकाल दिए हमने। अब इसको मैंने लगाऊंगी एक तरफ, जो भी आपके पास हरी चटनी हो तो आप हरी चटनी लगा सकते हैं। यहाँ मैंने केचप और मेयोनीज मिला के एक सॉस बनाया था, उसको लगाएंगे। एक तरफ भर देंगे हम ये जो हमने सैंडविच का मसाला तैयार किया था। बस इसको करके आप अच्छे से ग्रिल पैन पे इसको सेक लीजिए और इसको इंजॉय कीजिए। इतने टेस्टी और डिलीशियस बनते हैं कि मैं बता नहीं सकती, सर्दियों में तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइए। इसको आप मक्खन में या घी में अच्छे से ब्रश करके सेक सकते हैं दोनों तरफ से, देखिए इस तरीके से मैं आपको बताती हूँ सेक कर। आप जिस भी तरह के काट के छोटा बड़ा सैंडविच का पीस कर सकते हैं। ये देखिए हम इसको ग्रिल में सेक रहे हैं, ग्रिल पैन में बहुत अच्छे सेकेंगे ये। हम घी से थोड़ा सा, हमने देसी घी से सेकेंगे, आपके पास बटर हो तो आप बटर से भी सेक सकते हैं। दोनों तरफ से अच्छे से ब्राउन होने तक सेक लेंगे। बस आप इसी तरीके से सारे सैंडविच तैयार कर लीजिए, सेक कर अच्छे से, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गर्मा गर्म फैमिली के साथ चिकन सैंडविच इंजॉय करिए। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। आगे इंशाल्लाह नई रेसिपी लेके आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।